यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ आप बहुत मुश्किल है शाहरुख खान की कोई भी क्वालिटीज़ ऐसे निकाल के लाना मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो ना उनसे मिलना ना एक एक्सपीरियंस है मतलब वो आपको ना अगर आप मिल लिए एक बार तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनके फैन ना रहो एक तो कमाल इंसान मतलब मिलने उफ... के बाद तो प्यार और बढ़ जाए हाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मतलब आप डाई हार्ड फैन बन जाते हो उनसे मिलने के बाद आई थिंक यार मैंने कभी नहीं देखे इन रियल लाइफ इन पर्सन ही इज़

यार तो तो क्या बताऊ आई थिंक वो वैसा है कि अगर वो यहां पे अभी आते और आप लोगों से बात कर रहे होते तो आप सब लोग घर जाके जितने लोग बैठे हैं सब बोलते यार आज पता है शाहरुख खान ने सिर्फ मुझसे बात की <laughs> और किसी से बात ही नहीं कर रहा था मैं ध्यान दे रहा और सिर्फ मेरी आंखों में आके डाल के बात कर जा रहा था और सिर्फ मुझसे बात करके कर गया था कमाल आदमी मतलब वो बहुत मुश्किल है डिफाइन करना है शाहरुख सर अनुराग दिशा ने भी बैठे कंगना की आवाज आ रही है मुझे कहाँ से आ रही है आप लोग बता दीजिए आपका कंगना के साथ एक्सपीरियंस कैसा था इसका मेरा? एक्सपीरियंस हम दोनों के ही उसके साथ एक्टर रहे और उसके डायरेक्शन में काम किया है नहीं देखिए मतलब आ, सारी मजाब बातें और माहौल जो है वो अपनी जगह पर आई थिंक वो खासतौर पे एक वक्त कंगना का आई थिंक परफॉर्मेंस एज एन एक्टर आई थिंक ग्रेट नहीं है मतलब उससे पहले क्वीन हुई थी, थी और actors, बहुत ज्यादा और काम को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है बाकी जो प्रॉब्लम उसके साथ वो है <laughs> वो दिक्कत है लेकिन उसका टैलेंट आप उससे छीन नहीं सकते उसके अंदर जो है एज एन एक्टर एज एज अ सिंसियर क्रिएटिव पर्सन आल्सो वो सिंसियरिटी है वो छीन नहीं सकते बाकी हाँ बहुत मुश्किल है डील करना ऑडियंस से क्या उम्मीद करते हैं आप <coughs> जब फिल्म में आप एक्टिंग कर रहे होते हैं फिल्म की स्क्रिप्ट आ जाती है देखते हैं यार ऑडियंस हमसे उम्मीद करती है हम क्यों तो ऑडियंस उम्मीद करेंगे <laughs> <laughs> मैं एक्चुअली कुछ उम्मीद नहीं करता मतलब आ, आर्ट मैं अगर ऑडियंस मतलब मुझे वैसे वो ऑडियंस का सिलेक्शन भी ना कि मेरा ना ये ऑडियंस ऐसे कर देंगे मेरी ये वाली ऑडियंस पसंद करेगी मुझे ये वाली बातें नहीं समझ में आती मतलब आई एम श्योर लोगों के लिए वर्क करते हो कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा ये किरदार है मुझे मुझे ये कहानी कहनी है आप रिसीव कैसे करेंगे इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन यू आपको अच्छा लगा अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो हमारी आप, लड़ाई थोड़ी होगी इस बात हम अपनी ऑडियंस से कुछ उम्मीद करते हैं कि इस खबर को हम दिखाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगी या ये क्यों नहीं देख रहे हैं वो तो वैसी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती जब आप पर्दे पर अपने किरदार को निभा रहे हो नहीं मुझे बिल्कुल नहीं रहती यार देखिए जैसे ना मैं वो सिनेमा को लेकर भी मेरे दिमाग में कई बार ये वाला आता है ऐसे वो जो एक डिबेट बिना बात की चलती रहती है तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि कमर्शियल सिनेमा और आर्ट हाउस सिनेमा आई थिंक आर्ट हर हर उसमें सिनेमा सिनेमा है तो वो कोई मतलब नहीं एंड प्लस ना ऑडियंस को रिस्पॉन्सिबल उस तरह से ठहराना मतलब ये एक जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं मैं ये टर्म बल्कि इस्तेमाल करूँगा वो लोग जो एक वाला चलते हैं ना अरे यार ऑडियंस को नहीं पसंद नहीं आता ऐसा कुछ नहीं ऑडियंस को सब पसंद आता है आप अच्छे से बनाओ वहीं पर आप अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना एक रिक्शे वाला साइकिल रिक्शा खींचने वाला एक आदमी सारा दिन उसने रिक्शा खींचा है वो रात में थक हार के चार लॉन्डर से मारा कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए ह्यूमिलिएशन सारा दिन बर्दाश्त करते हुए शाम में वो आया उसने एक अपना पौवा ख़रीदा किसी तरह से वो पिया अब उसे रिलैक्स करने के लिए मान लो एक फिल्म देखने के लिए अंदर घुस रहा है भाई किसी और का दुख वो नहीं देखेगा डोंट ब्लेम हिम फॉर दिस कैरियर ये दुख वाली फिल्म क्यों नहीं देखे?